दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि साउथ इंडस्ट्री की एक और जबरदस्त पैन इंडिया मूवी यानी कि कार्तिकेय के पार्ट टू को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 9वां दिन है। तो भाई, इस फिल्म को इन 8 दिनों में बॉक्स ऑफिस से कितने की कमाई हो चुकी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने कार्तिकेय के पार्ट टू के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को रखूं, कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि भैया, इस फिल्म को पिछले 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस से कितने की कमाई हो चुकी है। तो दोस्तों, इस फिल्म ने पिछले 7 दिनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो बिजनेस किया है वो आंकड़ा है 29 करोड़ 91 लाख रुपीज़ का। उसके बाद इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से जो अब तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा है 9 करोड़ 28 लाख रुपीज़ का। उसके बाद तमिलनाडु से इस फिल्म को जो अब तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है 7 दिनों में वो आंकड़ा है 1 करोड़ 70 लाख रुपीज़ का। उसके बाद कर्नाटका से इस फिल्म को जो अब तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 2 करोड़ 50 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया से इस फिल्म को जो अब तक कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस से वो आंकड़ा है 72 लाख रुपीज़ का। यानी कि इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया से जो अब तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है पिछले 7 दिनों में वो आंकड़ा है 43 करोड़ 13 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद अगर उन्होंने बात करें ओवरसीज के कलेक्शन की, तो भैया 7 दिनों में इस फिल्म को ओवरसीज से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 7 करोड़ 28 लाख रुपीज का। यानी कि भैया 7 दिनों में इस फिल्म ने 50 करोड़ 61 लाख रुपीज का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड। और भाई, अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि इस फिल्म को 8वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 7 करोड़ 78 लाख रुपीज का। यानी भैया ये इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जिसमें से 3 करोड़ 86 लाख रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। यानी कि इस फिल्म को 8वें दिन हिंदी लैंग्वेज से भी बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिला। यानी भाई, इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से ही 3 करोड़ 4 लाख रुपीज का बिजनेस मिला है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म ने इन 8 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइड वो आंकड़ा है 58 करोड़ 39 लाख रुपीज का, जिसमें से 32 करोड़ 9 लाख रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। और भाई, इस फिल्म को 8 दिनों में जो अब तक हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से कलेक्शन मिल चुका है बॉक्स ऑफिस पर वो आंकड़ा है 11 करोड़ 25 लाख रुपीज का। यानी कि इस फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर खुद के लिए ब्लॉकबस्टर का तमगा हासिल कर लिया है। और भाई, इस फिल्म के माध्यम से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक और नया पैन इंडिया सुपरस्टार मिल चुका है निखिल के अवतार में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।